नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है। कुंवर मानवेंद्र सिंह बने कार्यकारी सभापति, विधान परिषद के प्रोटेम स्पीकर बने हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पद की शपथ दिलाई, तो विधान परिषद के प्रोटेम स्पीकर बने कुंवर मानवेंद्र सिंह। जिस तरीके से इस रेस में सबसे आगे कुंवर मानवेंद्र सिंह का नाम था, तो ऐसे में विधान परिषद के सभापति पद पर कुंवर मानवेंद्र सिंह अब काबिज होंगे। तो विधान परिषद के प्रोटेम स्पीकर बने हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस पद की शपथ कुंवर मानवेंद्र सिंह को दिलाई। तो आपको बता दें कि सभापति पद का कार्यकाल दो दिन पहले खत्म हो चुका है। ऐसे में इसको लेकर सपा और बीजेपी में खींचतान जारी थी, लेकिन कुंवर मानवेंद्र सिंह ने इस पद पर जगह बनाई। तो मानवेंद्र सिंह बने हैं कार्यकारी सभापति, विधान परिषद के प्रोटेम स्पीकर बने कुंवर मानवेंद्र सिंह। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस पद की शपथ कुंवर मानवेंद्र सिंह को दिलाई। तो विधान परिषद के प्रोटेम स्पीकर के पद पर बीजेपी के एमएलसी कुंवर मानवेंद्र सिंह को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलाई। जिस तरीके से सपा और बीजेपी में खींचतान जारी थी, तो ऐसे में बीजेपी ने बाजी मारी। हालांकि अगर बात करें यहां पर विधान परिषद में एमएलसी की, तो सपा का पलड़ा भारी था, लेकिन बीजेपी भी इस रेस में पूरा कह सकते हैं कि कंपटीशन दे रही थी सपा को। तो अब इसमें बीजेपी के एमएलसी कुंवर मानवेंद्र सिंह ने रेस में बाजी मारी है। तो प्रोटेम स्पीकर के चुनाव पर सपा ने निशाना साधा, सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन ने निशाना साधा है। विधान परिषद के प्रोटेम स्पीकर पर बीजेपी के एमएलसी कुंवर मानवेंद्र सिंह को शपथ दिलाए जाने पर सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन ने निशाना साधा। बीजेपी के प्रोटेम स्पीकर चुने जाने के मामले पर सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन का बयान, हमें पहले से पता था कि सरकार बेईमान है, लेकिन हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि राजभवन भी बेईमान हो जाएगा, संसदीय परंपराओं का ऐसे ही मजाक उड़ाया जाएगा, तो लोकतंत्र पर विश्वास कैसे रह जाएगा। समाजवादी पार्टी का विधान परिषद में बहुमत है, तरीके से चुनाव कराया जाना चाहिए था और समाजवादी पार्टी का सभापति बनता। सरकार ने एक बार फिर लोकतंत्र का गला घोटते हुए संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार कर दिया है। बीजेपी वाले चुनावों से डरते हैं, अगर सर धज्जियां उड़ाएंगे, तो जो विधान परिषद में नियमावली में है कि प्रोटेम स्पीकर सर्व जो सीनियर होगा सदस्य वही बन सकता है, लेकिन इन्होंने इसलिए अपने मनमानी तरीके से प्रोटेम बना लिया कि अब ये चुनाव नहीं कराना चाहते, क्योंकि यहां बहुमत विधान परिषद में अभी भी समाजवादी पार्टी का है, तो जो सभापति का चुनाव होगा तो हम लोग जीतेंगे। हम लोगों को सरकार से तो ये उम्मीद थी कि वो सरकार बेईमान है, लेकिन राजभवन से उम्मीद नहीं थी कि राजभवन भी बेईमान हो जाएगा। अगर राजभवन से लेकर सरकार तक सभी अगर संसदीय परंपराओं की धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर बचेगा क्या? धज्जियां उड़ाएंगे। तो बता दें आपको कि एमएलसी कुंवर मानवेंद्र सिंह अब सभापति पद पर काबिज होंगे। विधान परिषद की शपथ भी दिला दी गई है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलाई है। हालांकि सपा के एमएलसी सुनील सिंह साजन ने इस चुनाव को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं, साथ ही बीजेपी पर निशाना भी साधा है। तो राहुल श्रीवास्तव विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, जिस तरीके से सभापति पद को लेकर सपा और बीजेपी में खींचतान जारी थी, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो सपा का जो बल था यहाँ पर एमएलसी का, वो ज्यादा था, बहुमत था, तो यही कयास लगाए जा रहे थे कि सभापति पद पर अगर कोई काबिज होगा तो हो सकता है कि वो सपा का नेता हो, लेकिन हुआ ये कि कुंवर मानवेंद्र सिंह सभापति पद पर काबिज होंगे। और इसको लेकर जिस तरीके से निशाना साधा गया है सपा एमएलसी की तरफ से, तो ऐसे में जो प्रक्रिया थी उसको लेकर ये सवाल उठ क्यों रहे हैं? क्या प्रक्रिया ठीक नहीं थी? देखिए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को शायद यही डर था, शायद यही वजह थी कि कल जो समाजवादी पार्टी के एलसी थे वो राजभवन गए थे, वहां उन
से मुलाकात नहीं हुई थी, वहां के जो उनके कार्यकारी अधिकारी थे उनको उन्होंने ज्ञापन सौंपा था। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी को डर था कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रोटेंट स्पीकर नियुक्त कर देगी, और वो आज हुआ भी, राज्यपाल ने शपथ दिलाई प्रोटेंट स्पीकर कुंड मानवेंद्र प्रताप सिंह को, और उसके बाद से एक बार फिर समाजवादी पार्टी निशाना साधने लगी है। राहुल, क्या बीजेपी का जो सभापति पद को लेकर चुनाव करवाना था, क्या वो वैध नहीं है तरीका, वो प्रोसेस वैध नहीं था? चलिए, हमारा लगता है संपर्क टूट गया है, कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क साधने की। तो प्रोटेम स्पीकर के चुनाव पर सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन ने निशाना साधते हुए कई आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए और कहा कि हमें पहले से पता था कि सरकार बेईमान है। प्रोटेम स्पीकर के चुनाव को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं एमएलसी सुनील सिंह साजन ने, और कहा है कि आखिर जब सपा का बहुमत था तो ऐसे में किस तरीके से ये चुनाव कराया गया है बीजेपी की तरफ से, जो कि कुंवर मानवेंद्र सिंह को सभापति पद पर की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, यानी कि सभापति पद पर कुंवर मानवेंद्र सिंह जो कि बीजेपी की तरफ से एमएलसी है उनको बैठाया गया है, और इसी को लेकर सपा के एमएलसी सुनील सिंह साजन ने कई सवाल खड़े किए हैं। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले चुनावों से डरते हैं और अगर ये चुनाव कराते तो हार जाते, और इसी वजह से चुनाव नहीं कराया। सरकार ने एक बार फिर से लोकतंत्र का गला घोटते हुए संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार किया है। तो तरीके से अगर चुनाव कराए जाते तो जाहिर सी बात है कि सभापति पद पर एमएलसी होता तो वो सपा का होता, ना कि कुंवर मानवेंद्र सिंह होते। बता दें आपको, काफी खींचतान रही विधान परिषद में सभापति पद को लेकर बीजेपी और सपा दोनों ही इस कोशिश में, इस जुगत में थी कि दोनों की ही पार्टी से कोई एमएलसी इस पद पर बैठे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सपा के चांसेस ज्यादा थे क्योंकि बहुमत सपा को प्राप्त था, लेकिन हुआ ये कि सपा एमएलसी की जगह पर यहां पर बीजेपी एमएलसी यानी कि कुंवर मानवेंद्र सिंह सभापति पद पर काबिज हुए, जिनको राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ भी दिला दी है। तो सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन ने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े किए बीजेपी के प्रोटेम स्पीकर चुने जाने के मामले पर। सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन ने बयान दिया है, उन्होंने कहा हमें पहले से पता था कि सरकार बेईमान है, लेकिन हमको इस बात की उम्मीद नहीं थी कि राजभवन भी बेईमान हो जाएगा, संसदीय परंपराओं का ऐसे ही मजाक उड़ाया जाएगा तो लोकतंत्र पर विश्वास कैसे रह जाएगा। समाजवादी पार्टी का विधान परिषद में बहुमत है, तरीके से चुनाव कराया जाना चाहिए था और समाजवादी पार्टी का सभापति बनता। सरकार ने एक बार फिर लोकतंत्र का गला घोटते हुए संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार कर दिया है। बीजेपी वाले चुनावों से डरते हैं और अगर ये चुनाव कराते तो हार जाते। तो तमाम आरोप सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन ने लगाए हैं बीजेपी के ऊपर। तो बरेली से खबर, जहां पर परिवहन मंत्री अशोक कटारिया का बड़ा बयान, कृषि बिल को लेकर सरकार के समर्थन में देश का किसान, दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों की समस्या का होगा समाधान। ड्राइविंग लाइसेंस जल्दी बनवाने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है, पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस। तो अशोक कटारिया ने ये तमाम बातें कही बरेली जब वो पहुंचे, तो 2 महीने बाद से शुरू होगी बरेली में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया। तो साथ ही आपको बता दें कि अशोक कटारिया ने इस दौरान, जो कि परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कृषि बिल को लेकर सरकार के समर्थन में देश का किसान और दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं उनकी समस्या का समाधान जरूर होगा। अभी आने वाले दिनों में 2 चीज़ें हम करेंगे। एक तो हमारे विभाग में जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी तत्काल में, जैसे रेलवे का तत्काल मिलता है, वैसे ही हम अगले 2 महीने में अपने विभाग के अधिकारियों को मैंने कहा है कि
तत्काल में जब रेलवे दे सकता है तो हम क्यों नहीं दे सकते, तो इस दिशा में हम बढ़ेंगे। तत्काल में ड्राइविंग लाइसेंस मिल सके लोगों को। और दूसरा विषय जो मैं पहले यहाँ बरेली में बता चुका हूँ कि बस के जो टिकट हैं वो घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। बुलंदशहर से खबर जहां पर दिल्ली कूच कर रहे किसानों को पुलिस ने रोका। पुलिस के रोकने से नाराज किसान धरने पर बैठे हुए हैं। तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान दिल्ली कूच कर गाजीपुर बॉर्डर जाना चाहते थे। किसान एसडीएम और सीओ के आश्वासन पर समाप्त हुआ धरना। कल ट्रैक्टर ट्रॉली से दिल्ली कूच करेंगे किसान। तो तस्वीरें बुलंदशहर की जहाँ पर किसान दिल्ली कूच कर रहे थे, तो ऐसे में पुलिस ने इन किसानों को दिल्ली जाने से रोक दिया है। तो पुलिस के रोकने से नाराज किसान धरने पर बैठ गए हैं। तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान, इसके साथ ही दिल्ली कूच कर रहे जो किसान थे गाजीपुर बॉर्डर जाना चाहते थे वो, तो एसडीएम और सीओ के आश्वासन पर समाप्त हुआ था ये धरना। फिर कल ट्रैक्टर ट्रॉली से दिल्ली कूच करेंगे किसान। तो फिलहाल समाप्त कर दिया गया है धरना। हालांकि अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे तहसील परिसर के सामने, लेकिन एसडीएम और सीओ के आश्वासन पर ये समाप्त कर दिया गया और कल ट्रैक्टर ट्रॉली से दिल्ली कूच करेंगे फिर किसान। जो हमारे 27 तारीख में टिकैत साहब के साथ में जो बर्ताव किया है प्रशासन ने, वहाँ के एसएसपी थे, डीएम थे, जो तो आपने भी देखी होगी, बहुत कुछ लोगों ने देखा है, जितने उनके साथ में बदतमीजी करी गई है। टिकैत साहब का एक आंसू पड़ने पर ये लोग सगरे जागृत हो गए। हमारा पूरा जिला स्टम्प कतई तुंतना बैठा है कि हम वहीं दिल्ली जाएंगे। कुछ प्रशासन हमें रास्ता में रोकते हैं, हम जब अपने ट्रैक्टर लेकर निकलते हैं तो ये रास्ता में ठाड़े हो जाते हैं। इस वजह से आज हमने अनिश्चितकालीन का धरना यहीं चालू किया था, लेकिन अब प्रशासन ने हमसे ये कह दिया कि तुमको कोई नहीं रोकेगा। तो हमने अभी इस बारे में सोच कर विचार करके हम अपने धरने को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे की जो रणनीति हमारी दिल्ली कूच की है, कल हम यहाँ से दिल्ली कूच करेंगे। पूरा हमारा तहसील शिकारपुर सब वहीं के लिए ट्रैक्टर जाएंगे। कितने ट्रैक्टरों के साथ आप दिल्ली कूच करने वाले हैं? देखिए, हमारे 200 हो जाओ, 250 हो जाओ, जितने भी ट्रैक्टर हो जाएंगे यहाँ से निकलेंगे सब। तो पुलिस के रोकने से नाराज किसान धरने पर बैठ गए तहसील परिसर के सामने, लेकिन एसडीएम और सीओ के आश्वासन पर यह धरना समाप्त कर दिया गया। जिस तरीके से किसानों का कहना है उसके अनुसार अगर देखें तो प्रशासन ने इस बात की इजाज़त दे दी है कि आपको कल ट्रैक्टर से अगर आप दिल्ली कूच करेंगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन फिलहाल उनको आज रोक दिया गया। लेकिन धरना समझाने बुझाने के बाद एसडीएम और सीओ के समाप्त कर दिया गया। तो यानी कि अब कल दिल्ली कूच करेंगे ये किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ। बस सब बढ़िया भाई होंगे।